नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। कौशाम्बी संदीपन घाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत मूरतगंज सगाड़ा के उर्मिला विजय इंटर कॉलेज की वैन बच्चों को लेकर घर वापस छोड़ने जा रही थी। स्कूल वैन में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद भी रोडवेज बस चालक ने बस नहीं रोकी। जब आसपास के लोगों ने रोडवेज बस को घेर कर पकड़ा और पुलिस के हवाले किया, टक्कर से स्कूल की वैन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तो वहीं हादसे में मोहम्मद गौस 12 पुत्र शकील बुल हसन, अब्दुल अहमद 13 वर्ष पुत्र कुतुबुद्दीन व दर्जन भर अन्य बच्चे घायल हुए हैं। सूचना पाकर नजदीकी मूरतगंज चौकी इंचार्ज गौरव द्विवेदी ने सभी घायलों को मूरतगंज प्राथमिक उपचार केंद्र में भर्ती कराया, जहां से गंभीर दो बच्चों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया और मामला संदीपन घाट थाना क्षेत्र के मूरतगंज सगाड़ा मोड़ का बताया जा रहा है।